हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। तो पिछली वीडियो में देखा था कि पादप जीवन में जल का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पादप कोशिका का जल संबंध यानी कि वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अंतः शोषण, इम्बाइबेशन, परासरण, विसरण, परासरण दाब, स्फीति दाब और भित्ति दाब, इन सभी टॉपिकों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतः शोषण यानी कि इम्बाइबेशन क्या होता है। तो किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा द्रव या जल का अधिशोषण अंतः चूषण या अंतः शोषण कहलाता है। यानी कि ठोस कणों, पदार्थ के जो ठोस कण होते हैं उनके द्वारा द्रव जैसे कि जल का अधिशोषण क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। अंतः शोषण करने वाला पदार्थ अंतः शोषक कहलाता है। अंतः शोषक जल अवशोषित करके फूल जाता है परंतु विलयन का निर्माण नहीं होता है। अगर विलयन का निर्माण होता तो ये क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, लेकिन ये क्या होता है, अधिशोषण होता है, ठीक है। तो अंतः शोषक जल अवशोषित करके क्या होता है, फूल जाता है पर विलयन का निर्माण नहीं होता है। अंतः शोषक पदार्थ कोलोइडी प्रकृति के होते हैं, उदाहरण के लिए बीजों का जल अवशोषण करना और वर्षा ऋतु के अंदर खिड़की दरवाजों का फूल जाना। अब हम देखते हैं कि विसरण क्या होता है। तो विसरण यानी डिफ्यूज़न, ठोस द्रव गैस अणुओं की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करने की क्रिया विसरण कहलाती है, ठीक है। जैसे कमरे के किसी एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके गैस के जो कण होते हैं वही दूसरे क्षेत्र में भी फैल जाते हैं, जिससे उसकी जो गंध होती है हमें दूसरे क्षेत्र तक भी या दूसरे कमरों में भी जो होती है उनकी खुशबू जो होती है हमें आती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि विसरण का महत्व क्या होता है। कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन जो होता है विसरण के द्वारा होता है। खनिज लवणों का बाह्य माध्यम से मूल ऊतकों में प्रवेश विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो मृदा में उपस्थित खनिज लवण होते हैं, ठीक है, तो वो रूट की जो सेल्स होती है उसमें प्रवेश जो होते हैं विसरण के द्वारा करते हैं। जड़ द्वारा जल का अवशोषण जल के अणुओं के विसरण के फलस्वरूप ही होता है। वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प के रूप में पादप के आंतरिक भागों से बाह्य वातावरण में जो होता है जल विसरित होता है जल वाष्प के रूप में, ठीक है। तो ये क्रिया भी जो होती है विसरण के द्वारा ही होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अंतर्ग्रहण तथा ऑक्सीजन की विमुक्ति विसरण के द्वारा होती है। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण तथा CO2 का बहिर्गमन भी जो होता है विसरण के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परासरण यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो परासरण वही क्रिया होती है जिसमें विलायक या जल, ठीक है, विलायक के रूप में अधिकतर हम क्या लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक है। तो परासरण वही क्रिया होती है जिसमें विलायक जो होता है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो होता है अर्धपारगम झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से विसरित होता है, ठीक है। तो परासरण भी एक प्रकार का विसरण होता है, बस इसमें विलायक के अणु जो होते हैं वो अर्धपारगमी झिल्ली से जो होते हैं विसरित होते हैं। परासरण क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती है। परासरण भी दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो बाह्य परासरण क्या होता है, तो परासरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं या ऊतकों से जल का निष्कासन या बहिर्गमन जो होता है बाह्य परासरण कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोशिका है, ठीक है, तो उनके ऊतकों से जल का जो है बाहर निकलना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य परासरण कहलाएगा। और बाह्य परासरण के कारण जल बाहर निकल जाएगा तो कोशिका कौन सी स्थिति में आ जाएगी, कोशिका श्लथ यानी श्लथ स्थिति के अंदर आ जाती है यानी कि सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अंतः परासरण क्या होता है। तो परासरण क्रिया द्वारा जीवित ऊतकों या जीवित कोशिका या ऊतकों में जल का प्रवेश जो होता है अंतः परासरण कहलाता है। मतलब कि कोशिका या ऊतकों के अंदर बाह्य माध्यम से जल प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाता है, अंतः परासरण कहलाता है। अंतः परासरण तथा बाह्य परासरण कोशिकाओं तथा बाह्य वातावरण में जल की अपेक्षित सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अंतः परासरण करना जल अंदर प्रवेश कर जाता है तो कोशिका जो है वह जो होती है स्फीति अवस्था यानी कि फूली हुई अवस्था में आ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। परासरण दाब विलयन में उत्पन्न वह द्रवस्थैतिक दाब है जो विलायक के अणु के अर्धपारगमी झिल्ली से विलयन में प्रवेश करने को रोकने में सक्षम होता है। मतलब परासरण दाब हम कह सकते हैं कि वह दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोकने में सहायक होता है। मतलब कि विलयन पर कितना दाब लगाया जाए कि उनमें जो है विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश जो होता है अर्धपारगमी झिल्ली से रुक जाए तो वही दाब जो होता है परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। तो अंतः परासरण के कारण कोशिका में जल प्रवेश करता है। ये जल सामान्यतः रिक्तिकाओं में एकत्रित होता है। रिक्तिका जीव द्रव्य पर दबाव डालती है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है खिंच जाती है तथा कोशिका स्फीत हो जाती है। इस स्थिति में साइटोप्लाज्म द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पड़ने वाला बल क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर कहलाता है, ठीक है।
तो स्पीति दाब क्या हो जाता है कि अंतः परासरण के कारण जल अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो ये जल कहाँ पे एकत्रित होगा, रिक्तिकाओं पे एकत्रित होगा। अब रिक्तिकाओं पर एकत्रित होने के कारण क्या होगा, रिक्तिकाएं फूल जाएगी। अब रिक्तिकाओं के फूलने के कारण वह जो है जीव द्रव्य पर दबाव डालेगी, जिससे क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन खिंच जाएगी, ठीक है, तथा कोशिका जो होगी स्फीत हो जाएगी यानी फूल जाएगी। इस स्थिति में साइटोप्लाज्म द्वारा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक दाब पड़ता है, ठीक है, वही दाब क्या कहलाता है, वही बल हमारा क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भित्ति दाब क्या होता है, तो स्फीति दाब में सेल वाल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्फीति दाब के विरुद्ध परंतु समान बल द्वारा अंदर की ओर धकेलती है, इसे हम क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं, ठीक है। तो स्फीति दाब के कारण कोशिकाएं जो होती है वो फूल जाती है और सेल मेम्ब्रेन पर बाहर की ओर एक दबाव पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। अगर स्फीति दाब के विरुद्ध अंदर की ओर दाब नहीं लगाया जाएगा तो इस कोशिका क्या होगी, फट जाएगी। इसलिए जो कोशिका की भित्ति होती है, ठीक है, वो अंदर की ओर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उस पर अंदर की ओर जो होती है स्फीति दाब के बराबर जो होती है परंतु विपरीत दिशा में जो होती है दाब लगाती है, ठीक है, ये बल दाब जो होता है अंदर की ओर होता है, ठीक है, और ये कोशिका भित्ति की तरफ लगाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर यानी कि भित्ति दाब कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार सेल वॉल द्वारा साइटोप्लाज्म पर उत्पन्न होने वाला दाब जो होता है भित्ति दाब कहलाता है, जो कि टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर स्फीति दाब, जो कि स्फीति दाब के समान परंतु क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। मतलब कि जो वॉल प्रेशर होता है वो क्या होता है, टर्गर प्रेशर के इक्वल होता है, और इधर माइनस साइन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी दिशा जो होती है विपरीत होती है। इस प्रकार कोशिका में टर्गर प्रेशर वो वॉल प्रेशर जो होते हैं समान होने पर कोशिका की स्फीति जो होती है बनी रहती है, मतलब जो कोशिका होती है वो फुली हुई अवस्था में बनी रहती है। अगर टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कोशिका फट जाएगी, ठीक है। इस डायग्राम में हमको शो कर रखा है कि टर्गर प्रेशर जो है किस दिशा में लग रहा है, वॉल प्रेशर किस दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टर्गर प्रेशर जो है बाहर की ओर लग रहा है, और जबकि भित्ति दाब यानी कि वॉल प्रेशर जो है अंदर की ओर लग रहा है, और वो भी किसे लग रहा है, कोशिका भित्ति के द्वारा लग रहा है। और बीच में हमको रिक्तिकाएं दिखाई जा रही है जिसमें एंडोसमोसिस से क्या होगा, जल एकत्रित होगा, ठीक है, और रिक्तिका के चारों ओर क्या है, जीवद्रव्य है, ठीक है, और ये जो है कोशिका जो है स्फीति अवस्था में है।